बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे। अच्छा मेरे दोस्तों, ये बेबी की सब मतलब कि पार्ट टू वीडियो है। मैं दोबारा फिर बेबी बनाने लगा हूँ। वो पहले वाली बेबी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और मैंने कहा चलो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो ये बेबी आपको बहुत पसंद आएगी, पोटैटो की बेबी। मैं कहता हूँ बाजार को भी आप भूल जाएंगे, जो लेस वगैरह बाहर से बेबी वगैरह आप लाते हैं तो घर में आप खुद बनाएंगे तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो ये तरीका मैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल लाजमी है और बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर किया करें, कि इससे ये होता है कि जो मेरी वीडियो सबसे पहले आती है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ जल्दी से, ठीक है। देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो पोटैटो की है, ठीक है। पोटैटो की आपको कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये पोटैटो हैं, ठीक है। ये मैंने शेप इस तरीके से काटी है, जो आपको पता है बेबी की शेप होती है। ये देखें, ये बेबी की शेप है, ठीक है। इस तरह हमने बेबी काटे हैं सारे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बेबी सारी कटिंग होगी इस तरह से। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये दो पोटैटो थे, मैंने कहा चलो मैं आपको काट के दिखा दूँ। ये देखें, ये ब्लेड मिल जाता है मार्केट से, कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 250-250 रुपये का ब्लेड है, बहुत ही कमाल का कटर होता है। हमने ये होता है बेबी वाला कटर, ठीक है, ये वाला। ये आपने इस बेबी से काटना है, ये बेबी का डिज़ाइन बनता है बहुत ही कमाल का। इससे छिलके वगैरह उतरते हैं पोटैटो के, इससे भी पोटैटो की कटिंग होती है, इससे भी पोटैटो की कटिंग होती है बारीक बारीक, ठीक है, स्नेक टाइप। और ये वाली जो है ना, इससे हम बेबी से कटिंग करेंगे, ठीक है, ये वाला। चलते हैं पोटैटो पकड़ते हैं। एक पोटैटो जो है ना, हम इस साइज का लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह कट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी जल्दी से कट करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप अपने घर में बच्चों को बड़ों को ये देखें, जब ये रेसिपी खिलाएंगे तो वो आपके दीवाने हो जाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही कमाल की तैयार होती है। बाहर से अगर आप बेबी वगैरह लाएंगे तो एक पैक में 50 रुपये का जो पैक होता है ना, वो एक पोटैटो काट कर आप मानेंगे नहीं, वो बेबी बनाते हैं। तो यही आप अगर घर में लाएँ, मैं कहता हूँ किलो दो किलो पोटैटो लें, ठीक है। तो जब आप झटपट तरीके से घर में बनाएंगे तो आप माशाल्लाह खुद ही चीज़ को नोट करेंगे कि बाहर से जो बेबी है ना वो बहुत महंगी पड़ती है और घर में जो बेबी है वो माशाल्लाह बहुत ही सस्ती पड़ती है। ये जो दो पोटैटो हैं ये हम काट लेंगे, ठीक है। एक काट लिया, एक रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 अल्लाह पाक हमारी लस्तों में नेतों में बरकत डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए जो होता है ना, पानी में ज़रूर रखना होता है, ठीक है। ये मैंने पहले काट ली है आपसे पहले, मैंने कहा चलो दो जो है ना मैं आपके साथ ये वाले शेयर करूँ। ये देखें दोस्तों, ये समझ लें कि अगर आप एक 50 का लाते हैं ना, तो उसमें 50 में सिर्फ दो पोटैटो की कटिंग करके ना उन्होंने पैक किया होता है। ये देखिए आप इस तरह कटिंग कर लेंगे सारे, ठीक है। अब ये पानी में डाल देंगे, पानी में भी आपने ये करना है, जब पानी में ये जब ये पोटैटो डालेंगे तो आपने ना इसको नमक का एक चम्मच डाल के ना मिक्स करके छोड़ देना है, ठीक है, 5 मिनट। तो चलते हैं फिर इसको पानी में डालेंगे। तो नमक मैंने इसमें एक चम्मच डाल दिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहें हसबे जायका आप और भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरीके से जो है ना पोटैटो हम पानी में डाल लेंगे और इसको 5 मिनट के बाद हम निकाल कर फिर मैं बताता हूँ क्या करेंगे। जी दोस्तों, 5 मिनट हो गए हैं इसको। और इस तरह एक खुला बर्तन लेंगे, आप ट्रे ले सकते हैं या किसी लंबी सी चीज़ में जो आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। ये देखें, एक ऐसा कपड़ा लेंगे कोई भी, आप टॉवल ले लें या टिश्यू से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आप इस तरह रखेंगे पोटैटो, ये देखें एक एक पीस पकड़ेंगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लगाते जाएंगे जल्दी जल्दी से।
आप समझ लें कि ये तरीका आपने जरूर याद रखना है, ये तरीका आपने प्रोसीजर जो है ना ये जरूर आपने इस टाइम करना है। इससे ये होगा पानी जब जजब होगा तो पोटैटो हमारे बहुत ही कुरकुरे और बेबी हमारी बहुत ही कमाल की बनेगी। ये देखिए इस तरीके से सारे हम पोटैटो लगा लेंगे। ये देखें दोस्तों इस तरह से हम पोटैटो सारे सारे ऐसे करके एक एक करके लगा लेंगे। अब क्या करेंगे ये देखें, ये जो कपड़ा था ऐसे ऊपर रखेंगे, ये देखें ऊपर रखते सार हम क्या करेंगे, ये देखें ऊपर से ऐसे इसकी नमी को पानी की ख़त्म करेंगे। ऐसे ये होगा पानी इसमें कपड़े में जज़ब हो जाएगा और पोटैटो हमारे बिल्कुल नीट एंड फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है तो इसको पोटैटो को इस तरीके से करके ये देखें अच्छे तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है ये आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही कमाल के हमारे नीटनेस पोटैटो हो गए हैं। अब हम इसको एक तरफ डिश आउट करेंगे और बाकी के भी जो हैं जितने भी वो भी इसी तरह हम कर लेंगे। जी दोस्तों अफ्तारी का टाइम पास पास है तो अब हम क्या करेंगे ये देखें, ये माशाल्लाह पोटैटो थे, ये मैंने पानी इसका क्लियर कर लिया है। अब क्या करेंगे बिस्मिल्लाह करके ये मैंने इस तरफ कढ़ाई भी रख दी है, ऑयल भी डाल दिया है गर्म होने के लिए। अब बिस्मिल्लाह करके इसको सारों को पोटैटो को ये देखें बिस्मिल्लाह करके हम डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम वेज को तैयार करेंगे। वेज जो होगी ना लेज हमारी बहुत ही कमाल की होममेड तैयार होगी। इसको अच्छे तरीके से हम ये देखें सारा डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे जिस तरह के बेबी होती है। ठीक है बेबी लेस वगैरह होती है ब्राउन और कुरकुरी हम इस तरह की बनाएंगे। ठीक है इसको तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हम इसको पका लेंगे। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पहले भी मैंने बेबी बनाई है, ठीक है ये मेरी पार्ट 2 की दूसरी वीडियो है जो मैं बेबी फिर दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि बेबी की डिमांड इतनी हो गई कि आपको क्या बताएं। जी दोस्तों बेबी लेस हमारी बहुत ही कमाल की तैयार हो रही है। इसमें एक ख़ास बात हो रहा है, ये देखिए आपने क्या करना है चाट मसाला लेना है। ठीक है चाट मसाले का 1 चम्मच और नमक का 1 चम्मच आपने लेकर इसको मिक्स करना है। फिर ये मसाला जब बेबी हमारी अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगी, जब समझ लें कि हम डिश आउट करेंगे तब हम इसको ऊपर डालेंगे तो फिर इसके मज़े आने हैं। बहुत ही टेस्टी बहुत ही कमाल की ये फिर हमारी बेबी लेस बनेगी। ठीक है इसको भी ब्राउन होने देंगे अच्छे तरीके से। अभी आप देख सकते हैं इसको अच्छा सा कलर आने देंगे। बिल्कुल कुरकुरी हमने बनानी है बिल्कुल कुरकुरी और इसको अच्छा सा कलर आने देंगे। तब तक हम इसका अभी वेट करेंगे। जी दोस्तों माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी बेबी लेस बहुत ही कमाल के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है बिस्मिल्लाह करके आपने इंशाल्लाह इसी तरीके से बनानी है और फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आज की बेबी लेस बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही कमाल की बनी है। ये देखें आप माशाल्लाह ये आप आवाज़ भी इनकी सुन सकते हैं, बहुत ही करारी और बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनी है। ये देखें दोस्तों आप आवाज़ सुन सकते हैं, आप इसकी बहुत ही कमाल की हमारी जो बेबी लेस है ना कमाल की तैयार हो गई आज। जी दोस्तों आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह आवाज़ इनकी सुन सकते हैं बहुत ही कमाल की हमारी, ये देखिए बेबी लेस जो है ना बहुत ही कमाल की हमारी तैयार हुई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। बेबी लेस आप बाजार से खरीदना बंद कर देंगे इंशाल्लाह, ये इसी तरह हमने बनानी है। आप क्या करेंगे ये मैंने आपको बताया था ये जो चाट मसाला था और नमक था अब इस दौरान हम डालेंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा आपने अपने हसबे जायका आपने डालना है और ये देखें इस तरह करके ना ये देखें इसको ऐसे करके ना ये देखें मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें आप बहुत ही कमाल इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जब इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आई होप कि आज की जो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ये देखें आप मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाता हूँ। ये देखें
बहुत ही कमाल की। एक आधा और पीस आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज की जो ये रेसिपी है आपको ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आप खुद बनाएंगे इसी तरीके से। तो ये है कि ये रेसिपी बहुत आसान है, घर में आप बनाया करें, ठीक है। बाहर के जो होते हैं ना बहुत महंगी पड़ती है, ये आप मानेंगे नहीं। ये इतनी आप बाहर से बेबी लेंगे ना तो ये कम से कम 50 रुपीज़ का एक पैकेट मिलता है। तो ये एक से दो पोटैटो में, छोटे पोटैटो में ये इतनी बेबी बन गई है, ये आप मानेंगे नहीं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपको खाकर चेक करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ माशाल्लाह, आवाज भी सुन सकते हैं, बहुत ही क्रंची और बहुत ही कुरकुरी। ये देखें, ये देखें, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी होगी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सी नए तरीके से मैं लेकर आ जाऊंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन मेरे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी बहुत आसान होगी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन मेरे दोस्तों ने नहीं किया, आप भी मैंने किया, आपने भी किया। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। कमाल की बेबी लेस बनी है, आप भी जल्दी करें, देर ना करें, बना लें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।